हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से सूजी का पिज्जा, जो कि 5 मिनट में तैयार हो जाता है और बाजार के पिज्जा के मुकाबले काफी हेल्दी होता है और बहुत ही यमी होता है। आज का पिज्जा हम बनाएंगे तवे पे और ये स्वाद में तो ऐसा होगा कि बाजार का पिज्जा बच्चे भूल ही जाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम घर पे ही अपना पिज्जा सॉस बना लेंगे। तो पिज्जा सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 2 लहसुन के टुकड़े, 4 से 5 तुलसी के पत्ते, 1/2 छोटी चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और बस 1 चुटकी नमक। अगर आपके पास पिज्जा सॉस रखा हुआ है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाला सॉस 1 हफ्ते के लिए बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम एक बड़ी बोल में केचप ले लेंगे और उसके ऊपर हम 2 लहसुन को बारीक कद्दूकस कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को हम एकदम बारीक चॉप करेंगे और केचप में ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें मिक्स्ड हर्ब्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो आप पिज्जा की सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जो ऑरेगानो सीजनिंग मिलती है पिज्जा के साथ आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें काली मिर्च का पाउडर और नमक भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा पिज्जा का सॉस बनके एकदम रेडी हो जाएगा। क्योंकि पिज्जा एक बहुत अच्छा बहाना होता है बच्चों को ढेर सारी सब्जियां खिलाने का, इसलिए मैं इसमें बहुत सारी सब्जियां यूज कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद कोई भी सब्जियां इसमें यूज कर सकते हैं। बेसिकली प्याज, टमाटर और हरी शिमला मिर्च से भी काम चल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं पिज्जा बनाने के लिए। ये मैंने लिया है 1 कटोरी श्रेडेड मोज़रेला चीज, 1 कटोरी सूजी यानी कि रवा, 1 कटोरी दही, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, पतली और लंबी कटी हुई हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, गाजर, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, ब्लैक ऑलिव्स, पतला लंबा कटा हुआ टमाटर, 1/4 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट, 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स या ऑरेगानो सीजनिंग या फिर पिज्जा की सीजनिंग, और इसके अलावा पिज्जा सॉस जो हमने अभी बनाया था। भाई ये तो हो गई इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, अब पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। तो एक बड़ी बोल में हम सूजी ले लेंगे, सूजी में दही ऐड करेंगे और इन दोनों को मिक्स करेंगे। अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड कर लीजिए ताकि उसे मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी सूजी फूल जाए, और जब तक सूजी फूल के तैयार होगी तब तक आप होममेड पिज्जा का सॉस बना सकते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी भी फूल गई है। हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून वापस से पानी ऐड कर लेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, इनो फ्रूट सॉल्ट, मिक्स कर देंगे इन्हें। इसे हमें बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करते रहना है, हल्का सा मिक्स करके फटाफट से हमें इसे तवे पे डाल देना है। अब गैस पे पैन चढ़ाइए, पैन को गर्म हो जाने दीजिए। गर्म हो जाने के बाद उसमें बटर, घी या ऑलिव ऑयल स्प्रेड कर लीजिए। अब आपको जिस भी साइज में पिज्जा चाहिए उतना बैटर आप तवे पे डाल के गोल शेप में स्प्रेड कर लीजिए। आप पिज्जा का बैटर पतला क्रस्ट या मोटा क्रस्ट जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से स्प्रेड कर सकते हैं। बैटर स्प्रेड करने के बाद तकरीबन 30 सेकंड के लिए हम पैन को कवर कर देंगे। हमें फ्लेम मीडियम रखना है। 30 सेकंड हो चुके हैं, अब हम पैन का कवर हटाएंगे और पिज्जा बेस को फ्लिप कर देंगे। फिर हम पिज्जा बेस के ऊपर होममेड पिज्जा सॉस स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हमें जितना भी सब्जियां इसमें ऐड करनी है वो सारी सब्जियां इस पे स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास ये सारी सब्जियां अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इनमें से जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल है आप उससे भी ये पिज्जा बना सकते हैं। सारी सब्जियां ऐड कर लेने के बाद हम इसमें मोज़रेला चीज स्प्रेड करेंगे।
चीज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। चीज स्प्रेड कर लेने के बाद हम इसके ऊपर ऑलिव्स लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे मिक्स्ड हर्ब्स या फिर ओरिगानो की सीजनिंग या पिज्जा की सीजनिंग, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1-2 चुटकी नमक डाल देंगे। अब हम पैन को कवर कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट हो जाने के बाद हम पैन का कवर हटाएंगे और ये देखिए चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारा पिज्जा बनके एकदम तैयार हो चुका है। बस अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अगर आप ये पिज्जा बड़ों को सर्व कर रहे हैं और इसे और चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इसे पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया पिज्जा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए नीचे से भी कितने अच्छे से सिका हुआ है। तो भाई अब अगर आपका मन कर रहा है पिज्जा खाने का या बच्चों को पिज्जा खिलाने का या बच्चे जिद कर रहे हैं पिज्जा खाने की तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप बहुत ही क्विकली घर पे ही पिज्जा बना सकते हैं और एकदम बाजार के स्वाद जैसा। अगर हमारे इंग्रेडिएंट्स एकदम रेडी हैं तो ये पिज्जा बनने में मुश्किल से 4-5 मिनट लगता है। तो भाई अगर आपके बच्चों को पिज्जा खाना पसंद है तो ये वाली रेसिपी तो ट्राई करना बनता ही है। तो अब कीजिए इस रेसिपी को ट्राई और अगर आपके मन में कोई सवाल है इस रेसिपी से रिलेटेड तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।